वेलकम टू बिफोर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम MCA 013 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूनिट 2 देखेंगे, जो है मेथड्स ऑफ प्रूफ। अब यहाँ पर हम बुक का रेफरेंस लेके जितने भी टॉपिक्स बुक में है वो सारे कवर करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो बुक में गिवन है उस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। 2.1 है ऑब्जेक्टिव्स, 2.2 है व्हाट इज अ प्रूफ, 2.3 है डिफरेंट मेथड ऑफ प्रूफ, इसी का सब पॉइंट है डायरेक्ट प्रूफ्स एंड इनडायरेक्ट प्रूफ्स, एंड लास्ट है काउंटर एग्जांपल्स। देन हमारे पास 2.4 है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, एंड लास्टली समरी देखेंगे हम और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो इस बुक के क्वेश्चन होंगे वो हम देखते चलेंगे साथ में। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, एंड जैसा कि आप यूनिट के नेम से ही समझ पा रहे हो कि ये है मेथड्स ऑफ प्रूफ। हम यहाँ पे प्रूफ करने के मेथड्स को समझेंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे हम प्रूफ कर सकते हैं एक स्टेटमेंट को। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हमने अपनी प्रीवियस यूनिट में जो हमारी यूनिट 1 थी ब्लॉक 1 के, जैसा कि हम ब्लॉक 1 ही अभी कर रहे हैं एलिमेंट्री लॉजिक्स, तो इसमें ये जो यूनिट 2 है यूनिट 1 की ही बात हम इसमें करने वाले हैं। जो स्टेटमेंट्स हमने देखी थी उन्हीं स्टेटमेंट्स और उनकी ट्रुथ वैल्यूज, वो सारी प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स को हम यहां पर कैसे लिंक करके एक वैलिड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बनाते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, ये जो टर्म मैंने अभी यूज की लॉजिकली वैलिड आर्ग्यूमेंट, या आप कह लीजिए सिर्फ एक वैलिड आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट, ये क्या है इसकी बात हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो यहां पर हम ये देखने वाले हैं साथ ही थ्योरम एंड प्रूफ की डेफिनेशन और कैसे ये थ्योरम और प्रूफ बने हैं हमारे पास, किस तरीके से हम इन वर्ड्स को जैसे अभी तक करते आए हैं यूज, क्या क्या प्रूफ्स हमारे पास हैं, डायरेक्ट प्रूफ्स हो गए, इनडायरेक्ट प्रूफ्स हो गए, काउंटर एग्जांपल्स हो गए, साथ ही हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखेंगे यहाँ पर डिसप्रूव और प्रूफ करने वाले एक स्टेटमेंट को। तो एक स्टेटमेंट को कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे डिसप्रूव करते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। साथ ही हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने BCA 012 में मैथमेटिक्स के टाइम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये देखा था, ये भी एक प्रूफ का मेथड था जो हम यूज करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में PMI बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसी के काफी सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और ये सारी चीजें हम काफी ध्यान से और धीरे धीरे बारीकी से एक एक टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से मेरा ये इंट्रोडक्शन है जो मैंने अभी आपको कन्वे किया। साथ ही अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा इस यूनिट का। हाँ, तो बुक से ही मैंने यहां पर ये रेफर किया है ऑब्जेक्टिव। इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन द टर्म्स थ्योरम प्रूफ एंड डिसप्रूफ। ठीक है, सेकेंड डिस्क्राइब द डायरेक्ट मेथड एंड सम इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ प्रूफ, एंड लास्टली वी विल सी स्टेट एंड अप्लाई बोथ फॉर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। जैसे कि मैंने बताया ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो हमने अपनी लास्ट सेमेस्टर में भी देखा। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक मेरे पास। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं हमारे पास जो है कि प्रूफ क्या है, प्रूफ हम किसे कहेंगे, व्हाट इज अ प्रूफ। प्रूफ को अगर आप समझे तो अगर एक स्टेटमेंट है आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू और समबडी इज स्ट्रॉन्गर देन यू, तो यू विल से दैट प्रूव इट। आपको प्रूफ करना होगा कि कैसे तुम मेरे से स्ट्रॉन्गर हो या मैं इससे स्ट्रॉन्गर हूं। तो यहां पर ऐसी स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए, एक एविडेंस होगा, कन्विंसिंग एविडेंस होगा ये, जो बताएगा कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है इस एविडेंस की वजह से। जैसे कि किसी ने जैसे यहां पर क्या एविडेंस हो सकता है, मैं एग्जाम्पल जस्ट यहां पर ले रही हूं,
जैसे एक्सट्रीम वेट का एक एक्सट्रीम वेट का एक पर्सन है जिसका नाम है ए, और एक और पर्सन है सेम वेट और साइज का, उसका नाम है बी। दोनों बाइसाइकिल पे 40 kg ए पर्सन लेके जाता है, एक एक्स टू वाई डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है वो 40 kg वेट बाइसाइकिल पे, लेकिन साथ ही जो बी पर्सन है वो 80 kg, वो 40 kg कर सकता है ए वाला, और ये कर सकता है 80 kg बाइसाइकिल पे एक्स से वाई डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है कहने का कि वो यहां पर स्ट्रॉन्गर कह रहा है खुद को ये करने में। तो मैं जब एक्स टू वाई डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता हूं वो भी 80 kg का, तो दैट मीन्स आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, सो देयर इज द एविडेंस। तो इस तरीके की बात, ये जस्ट एक थ्योरेटिकल एग्जांपल हम यहाँ पे कह रहे हैं, प्रैक्टिकली भी हम इसको देख सकते हैं, लेकिन हम मैथमेटिकली चीजें करने वाले, तो मैथमेटिकली एविडेंसेस हमारे कुछ अलग होंगे, इन्हीं की हम बात करेंगे आज। तो ये मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल एविडेंसेस हम इनको कहते हैं, और इनके लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करके स्टेटमेंट्स को प्रूफ और डिसप्रूफ करेंगे। यहां पर ना हम आर्ग्यूमेंट का यूज करने वाले हैं इस यूनिट में। एक आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अभी हम यहां पर मैथमेटिकल टर्म्स में या लॉजिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट की, हम इंग्लिश वर्ड आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अब एक आर्ग्यूमेंट क्या है मैथमेटिकली, इसे देखते हैं। ये है एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स हमने लास्ट यूनिट में देखी थी, लॉजिकल स्टेटमेंट्स हमने देखी थी, कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट्स भी हमने देखी थी जो यूनिवर्सली ट्रू होती है, यूनिवर्सली जिन्हें हम फॉल्स भी कह सकते हैं। तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स जो सीक्वेंस में है आपस में, उनको उसको हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जैसे एक आर्ग्यूमेंट है P1 एंड ऑपरेटर P2 एंड ऑपरेटर P3, P1 एंड P2, ये हमने देखा था इस ऑपरेटर का यूज करना, हमें डिसजंक्शन कंजंक्शन सारे ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस है स्टेटमेंट्स का, एक P1 एक स्टेटमेंट होगी, P2 एक स्टेटमेंट है, फाइनाइट सीक्वेंस है ये स्टेटमेंट्स का, जिसको हम एक आर्ग्यूमेंट कहेंगे। अब स्टेटमेंट को, हर एक स्टेटमेंट को सीक्वेंस के अंदर हम प्रीमस कहते हैं, जैसे P1 है इसे हम प्रीमस बोलेंगे, P2 भी प्रीमस है हमारा। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है, हर एक स्टेटमेंट सीक्वेंस के अंदर, उसे हम प्रीमस कहेंगे या फिर अजम्पशन और हाइपोथेसिस कहेंगे, ठीक है। देन जो हमारी फाइनल स्टेटमेंट होगी ना, फाइनल स्टेटमेंट, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स को, ये आर्ग्यूमेंट से जितनी भी स्टेटमेंट्स हमारे पास है, ये जो भी हम अजम्पशंस पहली दे रहे हैं कि ये ट्रू होगी ये फॉल्स होगी, तो आपस में जितनी भी ये सीक्वेंस, मुझे फाइनल जो कंक्लूजन मिलेगा, ये फाइनल स्टेटमेंट होगी पी, उसको हम कंक्लूजन कहेंगे। तो ऐसे ना हम किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करने वाले हैं, या आप कह लीजिए डिसप्रूव भी करेंगे, उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड मेथड्स हैं जिनकी बात हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तो अभी आप इतना ध्यान रखिए, ये सीक्वेंस है इसको मैं जस्ट एक आर्ग्यूमेंट रीड करूंगी, तो इसी दौरान अब हम आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, गिवन आर्ग्यूमेंट टू शो दैट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, इसके लिए हम एक आर्ग्यूमेंट एक सीक्वेंस फॉलो करना है इसको प्रूफ करने के लिए। अब या आप कह लीजिए एक हमें यहां पर इसको प्रूफ करना है कि ये कैसे ट्रू है, तो इसके लिए ट्रू है या फॉल्स है पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी दो सेट है जिनके लिए हम कह रहे हैं कि ये ट्रू है, तो यहां पर हमें इसको ट्रू साबित करना है कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, अगर आप देखोगे तो ए और बी का इंटरसेक्शन करने पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आएंगे, तो ये कह रहा है जो एलिमेंट्स आएंगे या जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा वो
सबसेट होगा ए का। इस क्वेश्चन को अभी हम रफली समझते हैं कि ये टर्म्स जो है, जो सिंबल्स हैं, ये हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक इस तरीके का सिंबल यूज नहीं किया है, तो इसको समझेंगे पहले एंड देन फिर फंक्शनली हम इसका प्रॉपर आंसर देंगे। तो जैसे एक सेट है, ठीक है, एक सेट है प्रॉपर जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, सेम एज इट इज बी एक सेट है, ए और बी का इंटरसेक्शन करने पर, अभी अगर इंटरसेक्शन क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ये जो प्रॉपर सेट का टॉपिक है ना, ये इसकी एक प्रॉपर यूनिट और ब्लॉक है वो हम पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले जस्ट इजीली मैं थोड़ा ट्राई करूंगी इसको समझाने का। जैसे एक ए सेट है, एक जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, बी एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी एक एलिमेंट है जिसमें एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8। अब इंटरसेक्शन जो मेरे पास ये सिंबल होता है, ये बेसिकली क्या बताता है कि ऐसा सेट निकालो, ऐसा सबसेट निकालो जो इन दोनों में कॉमन हो। तो क्या है, 2, 2 कॉमन है तो इसका एलिमेंट हो जाएगा वो, 4, 4 कॉमन है इसका एलिमेंट हो जाएगा, 6, 6 कॉमन है इसका एलिमेंट हो जाएगा, 8 नहीं है, 9, 5, 3, 1 है तो हम यहां पर वो मेंशन नहीं करेंगे। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए जो हमें ट्रू साबित करना है, क्या करना है, ये कह रहा है कि जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा ना, वो सबसेट होगा ए का ही। सबसेट मतलब कि वो इसी से निकल के आए हैं, सेट और सबसेट उससे छोटा, तो इसी से निकल के आए हैं। अगर आप देखोगे 2, 4, 6 एलिमेंट कैसे निकल के आए हैं, यस ये 2, 4, 6 इसी ए से ही निकल के आए हैं, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू हो गई। तो इस स्टेटमेंट को अब हम देख लेते हैं, इसका आंसर हम लिखेंगे। तो यहां पर हमने इस आर्ग्यूमेंट के लिए कुछ इस तरीके से मेंशन किया आंसर, आप चाहे तो रफ में भी ये चीज यहां पर एग्जाम में लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन दिखाया है 2, 4, 6 करके, और ये एलिमेंट इसी को ही बिलोंग करते हैं, मतलब इसी के ही सबसेट हो गया है, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो सबसेट होगा ए का, तो ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है लेट एक्स बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी एक एलिमेंट है एक्स, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई एक एलिमेंट है। तो अब इस डेफिनेशन के हिसाब से, इंटरसेक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से, हम ये कहेंगे ही कि x जो है वो a को बिलोंग करता है, a को बिलोंग करता है 2, तभी तो ये मेरे पास इंटरसेक्शन में आया। इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन आना, दोनों सेट में से कॉमन आना। सेम जो x की वैल्यू है वो b को ही बिलोंग करती है, यस। तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि x बिलोंग करता है a को, जो कि वैल्यू मेरे पास जो भी इंटरसेक्शन से आई है वो क्या करती है, बिलोंग करती है, वो सबसेट है a के, राइट। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन हमने ये चीज पता लगा ली कि इंटरसेक्शन से हम यही कह रहे हैं कि जो भी आर्बिटरी एलिमेंट होगा ये एक्स, वो मेरा बिलोंग करेगा ए को भी बी को भी, लेकिन अभी हमें किसको दिखाना है, ए की बात हम कर रहे हैं सिर्फ। तो हमने कहा कि देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसको हमें प्रूव करना है ए के लिए, हो सकता है यहां बी भी हो, तो आप यहां पर बी के लिए इसको फर्दर मेंशन करोगे, ठीक है। तो यहां पर कहेंगे येस दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जितने भी एक्स की वैल्यू होगी, जो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, वो उन सब के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अपार्ट फ्रॉम दीज नंबर्स दिस विल नॉट बी ट्रू इफ यू से, पहली बात तो यहां पर वो एलिमेंट आएगा ही नहीं ना, क्योंकि अगर मैं बात करूं 8 एलिमेंट कभी होगा क्या 8 ए और बी के बीच में, ए और बी के कॉमन नहीं, तो ए एलिमेंट मेरा का 8 एलिमेंट मेरा कभी आएगा ही नहीं, तो हम कह नहीं सकते कि वो सबसेट होगा ए का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां पर मेंशन कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इज ट्रू। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।